स्टार्ट कर दी क्या सर? हो गया? अरे चलो, मार्च महीने का हो गया था हमारा करंट अफेयर। ठीक, पीछे आवाज़ आ रहा है? मार्च महीने का हो गया था, अब देखेंगे अप्रैल महीने का। ठीक है, पहले अंतर्राष्ट्रीय में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में पहला देखेंगे ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड, ठीक, 64वां नंबर का ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ग्रैमी अवार्ड जो होता है संगीत कलाकारों को मिलता है, संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है ये, संगीत के क्षेत्र में। जैसे फिल्मी दुनिया के लिए क्या था, ऑस्कर, उसी प्रकार ये संगीत के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। इसमें कलाकारों को दिया जाता है, जो लिखने वाले हैं, जो संगीत लिखते हैं उनको दिया जाता है, जो एल्बम बनाया जाता है उनको दिया जाता है, ठीक, और म्यूज़िक को भी दिया जाता है। तो ये संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। 64वां नंबर का अवार्ड इस वर्ष मिला है 2022 में। ठीक, याद रहेगा इतना। आयोजन MGM ग्रैंड गार्डन एरिना, MGM ग्रैंड गार्डन एरिना, ये USA में है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक, इस जगह पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक, अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया था, संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक, प्राप्तकर्ता, इसमें बहुत सारे प्राप्तकर्ता है, 25 से 30, उसमें हमको मेन देखना है जो काम के हैं। एल्बम ऑफ द ईयर, जो पूरे एल्बम, गाने का सीरीज जो होता है उसको बोलते हैं एल्बम। सुने होंगे बहुत सारे गानों का एक संकलन होता है, तो एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? VR। ठीक, उसके लिख बनाने वाले कौन है? जॉन बैटिस्ट द्वारा। ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, एल्बम का नाम है VR और जॉन बैटिस्ट ने बनाया है, ये है जॉन बैटिस्ट। ठीक, ये जीते हैं। दूसरा रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, जो रिकॉर्डिंग होता है उसके लिए भी मिलता है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ब्रूनो मार्स और एंडरसन द्वारा बनाया गया है, लीव द डोर ओपन। ठीक, लीव द डोर ओपन, दो गाने याद रहेंगे, VR एल्बम का सीरीज, दूसरा लीव द डोर ओपन। VR का हिंदी मतलब क्या हो गया? हम सब ऐसे याद कर ले। दूसरा लीव द डोर ओपन, इसका हिंदी क्या होगा? दरवाजे खुले रहने दो। ठीक, ऐसे याद रखो। सॉन्ग्स ऑफ द ईयर, ठीक, पूरे साल भर में सबसे अच्छा सॉन्ग कौन सा था? तो लीव द डोर ओपन, यही वाला सॉन्ग। ठीक, लीव द डोर ओपन याद रहेगा, दो चीज़। इसमें एक चीज़ काम का है, जॉन बैटिस्ट 11 जगह नॉमिनेट हुए थे, 11 क्षेत्रों में, और 5 क्षेत्रों में उनको मिला है ग्रैमी अवार्ड, 5 क्षेत्रों में सर्वाधिक, याद रहेगा। 11 क्षेत्रों में इनको नॉमिनेट किया गया था और 5 क्षेत्रों में मिलेगा, ये है जॉन बैटिस्ट, चेहरा याद कर लो, बाकी चीज़ याद नहीं होगा तो। अब बताओ पहला क्या क्या था, कौन सा नंबर का ग्रैमी अवार्ड था? 64वां। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कहाँ दिया गया? USA के कौन से जगह पे? MGM ग्रैंड। ठीक, इसके बाद एल्बम ऑफ द ईयर VR किसने लिखा? जॉन बैटिस्ट। ठीक, उसके बाद सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, बाकी दो ठो लीव द डोर ओपन। सबसे ज़्यादा कौन नॉमिनेट हुए थे? कितने क्षेत्रों में मिला, कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। ये हो गया ग्रैमी अवार्ड। फोर्ब्स की सूची, ये एक पत्रिका है, पत्रिका फोर्ब्स, ये इकोनॉमिक्स के लिए है, इकोनॉमिक्स के चीज़ों को साल भर में जो इकोनॉमिक्स चीज़ें होती है अलग अलग देशों में, उससे रिलेटेड ये पत्रिका है। ठीक है, तो ये 8 बार छपता है साल भर में, 8 बार प्रकाशित होता है। ठीक, 12 महीने में 8 बार प्रकाशित होगा, और ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये याद रखना, फोर्ब्स की सूची। और ये फोर्ब्स फैमिली है, एक फोर्ब्स फैमिली है, उनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है अमेरिका में। ठीक, अमेरिका में, और उसके द्वारा एक बार ये सूची जारी किया जाता है सबसे अमीर व्यक्तियों की, पूरे साल भर में सबसे अमीर कौन कौन है करके, तो उसके हिसाब से सबसे पहला इस साल अमीर एलन मस्क,
सब सुने होंगे इसके बारे में। कौन कौन सी कंपनियां हैं इनकी? टेस्ला और स्टारलिंक, स्पेसएक्स, ठीक, इस टाइप की कंपनियां हैं। ये किसके कंपनी है, इसके ऑनर कौन है, ये पूछते हैं, ठीक, ये याद रखेंगे। दूसरा है जेफ बेजोस, इसको भी जानते हो, कौन है ये? अमेज़न के ऑनर हैं, ठीक, अमेज़न जो फ्लिपकार्ट अमेज़न से मंगाते हो ना सामान, वही वाले, ठीक। दूसरे हो गए, इंडिया से सबसे ऊंचे में मुकेश अंबानी, सबसे ज़्यादा पैसे में इंडिया तरफ से, ठीक, मुकेश अंबानी, $90 बिलियन है इनके पास, $90 बिलियन। और 11वें नंबर पर गौतम अडानी, ठीक है, बहुत अमीर हैं इन लोग। भारतीय महिलाओं में अगर पूछा जाए सबसे अमीर, तो सावित्री जिंदल 91वें नंबर पे हैं, ठीक। पहले नंबर पे कौन है? एलन मस्क। कौन कौन से कंपनियां चलाते हैं? टेस्ला, ठीक। दूसरे नंबर पे कौन से कंपनियां चलाते हैं? अमेज़न। उसके बाद मुकेश अंबानी 10वें में, क्या चलाते हैं ये? पूरा देश चलाते हैं, ठीक। उसके बाद गौतम अडानी 11वां, ये दोनों ही मिलके तो चला दे रहे हैं पूरा देश, सभी बिजनेस चला रहे हैं, ठीक। और सावित्री जिंदल, जिंदल ग्रुप के मालकिन है ये, जिंदल सुने हो ना, वही जिंदल ग्रुप के, 91वें नंबर इनका रैंक है, याद रहेगा इतना। एक और पत्रिका याद रखेंगे, विजडन अल्मनैक, ये स्पोर्ट्स के लिए जारी किया जाता है, क्रिकेट, विजडन अल्मनैक, ठीक। ये 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं इस साल, विजडन अल्मनैक ने 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में भारतीय लोगों को भी शामिल किया है, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा, ठीक, और दूसरा जसप्रीत बुमराह, 5 लोग में 2 इंडिया के हैं, सबसे अच्छे खिलाड़ी जारी किए हैं, ठीक। 5 खिलाड़ियों को चुना गया है, उसमें से 2 भारतीय हैं, कौन कौन है? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, एक बैट्समैन एक बॉलर, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अगर पूछा गया 5 सर्वश्रेष्ठ में, तो जो रूट सबसे आगे हैं, जो रूट, ठीक है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये भी पूछा जा सकता है। 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन अल्मनैक, ये याद रहेगा पत्रिका, 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, कौन कौन दो देश थे, कौन कौन दो थे भारतीय? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, और एक कौन थे जो सर्वश्रेष्ठ माने गए? जो रूट, कहाँ से थे? इंग्लैंड से। चलो अब फीफा में आते हैं, फीफा वर्ल्ड कप सुने हो, इस साल होने वाला है, ठीक, फुटबॉल का सबसे बड़ा खेल है ये, और विश्व में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल कौन सा है? फुटबॉल है, ठीक। तो इसका शुभंकर मतलब समझते हो, शुभ अंक, जैसे घर में पूजा कराते हो, स्वास्तिक बनाते हो, शुभ होगा करके, बस यही चीज़ है ये। कौन है, बैठो पीछे, ठीक। तो शुभंकर, हर खेल के लिए एक शुभंकर दिया जाता है, शुभ चीज़ बनाया जाता है, शुभ माना जाता है, कोई जीव जंतु भी हो सकता है या तो कोई अंक भी हो सकता है, उसी टाइप से। तो ला एब को शुभंकर चुना गया है फीफा वर्ल्ड कप के लिए। ये फीफा कौन सा नंबर का है? 22वां नंबर का है, ठीक। कौन सा नंबर का फीफा है? 22वां। शुभंकर किसको चुना गया है? लाइब, ये हिंदी में पढ़ लो, उसको समझ नहीं आ रहा होगा, लाइब, याद रहेगा इतना। शुभंकर चुना गया है, इसको मस्कट भी बोलते हैं ना, शुभंकर को मस्कट भी बोलते हैं, इंग्लिश में नाम दे दिया तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। ये है लाइब, ये फोटो देख लो, नहीं दिख रहा पीछे, ये है लाइब, ये लोगो है, ऐसा नहीं है, ये है शुभंकर, ठीक, याद रहेगा। कौन सा नंबर का फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है? 22वां। 21वां कहाँ खेला गया था, ये भी पूछ सकता है,
21वां रूस में, 21वां रूस में हुआ था। जीता कौन था? फ्रांस, फ्रांस जीता था, 2018 में हुआ था। ठीक, इतना याद रख सकते हो। उसमें लाइव एक अरबी शब्द है। ठीक, कतर में होना है इस बार, फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा, अरब देश है वो एक, तो अरबी शब्द ही चुना जाएगा। ठीक, तो लाएब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अति कुशल खिलाड़ी। कुशल खिलाड़ी नहीं, अति कुशल खिलाड़ी। ठीक, बहुत अच्छे खिलाड़ी दिख रहे हैं ये देखने से, अति कुशल खिलाड़ी। अर्थ याद रहेगा, लाइव शुभंकर है, अर्थ है अति कुशल खिलाड़ी। 22वां नंबर का फीफा है, 21वां खेला गया था रूस में, जीता था फ्रांस क्रोएशिया को हरा के। ठीक, फीफा विश्व कप का आयोजन इस बार 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक होगा, ये याद रखेंगे, डेट पूछता है व्यापम में। ठीक है, 21 नवंबर से जो T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा ना, ख़त्म होगा उसके 5 दिन बाद ये चालू होगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप कब से कब तक है? 16 अक्टूबर से 13 नवंबर, ये T20 वर्ल्ड कप है। ठीक, क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप होना है 16 से 13, तो उसी 13 के बाद चालू हो जाएगा ये कुछ दिन बाद। अच्छा, ज़्यादा दिन है क्या? 8 दिन बाद है, 8 दिन बाद। फीफा की स्थापना 1904 में किया गया था, फीफा। ठीक, 1904 में पेरिस में किया गया था। पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस। तो पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन मुख्यालय इसका ज्यूरिख बनाया गया था। ये चीज़ समझ आया? दूसरे जगह मीटिंग में बैठे थे, बोले कि फीफा बनाना है हम लोग को, ठीक, एक समिति बनाएंगे जो फुटबॉल खिलवाएगा। तो ये चीज़ डिसीजन कहाँ लिया गया? पेरिस में। लेकिन होता है एक मुख्यालय, कि उसका मुख्यालय कहाँ बनाएंगे, तो वो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड। ये दोनों चीज़ याद रखना, ठीक, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड और फीफा की स्थापना। टाइम 1904 में छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? ITI खुला था ना, कोनी बिलासपुर, नहीं पढ़ेगा चलो। अध्यक्ष इस बार है गियानी इन्फेंटिनो, अभी अध्यक्ष, फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो, याद रहेगा गियानी इन्फेंटिनो, ये नाम रट लो, पूछ सकता है अध्यक्ष। ठीक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहली बार कोई भारतीय कंपनी इसका स्पॉन्सरशिप लिए हैं, पहली बार कोई भारतीय कंपनी। बायजूस बहुत सुने होंगे, कौन ऐड करते हैं इसका? शाहरुख खान। ठीक, या फिर बोला जा सकता है पहली बार कोई शिक्षण संस्थान, शिक्षण कंपनी, पहली बार कोई शिक्षण कंपनी पूरे विश्व में, या फिर पहली बार कोई भारतीय कंपनी स्पॉन्सरशिप लिए हैं इसका, याद रहेगा बायजूस। और बॉल का निर्माण एडिडास द्वारा किया जाता है, 14 बार हो गया एडिडास द्वारा निर्माण किया जाता है। इतनी चीज़ें याद रहेंगी? नहीं रहेगा। 22वां नंबर का फीफा है, सबसे पहले चीज़ तो यही याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन में देता है कि 21वां नंबर का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, आप लोग तुरंत दिमाग में रहेगा, अच्छा कतर, कतर मार दोगे। 21वां जबकि फ्रांस में हुआ, रूस में हुआ है, तो आपको जगह याद रखना है। 21वां रूस में हुआ था, 22वां कतर में होना है, और 23वां USA में होगा, आने वाला USA, अगला आने वाला 2026 में जो होगा ना, वो USA में होगा। USA, कनाडा, मैक्सिको तीनों मिलके कराएंगे, लेकिन मेन USA रहेगा। ठीक है, 23वां नंबर का, इतना चीज़ याद हुआ। शुभंकर का नाम क्या है? लाइव। ठीक, उसका पूरा ना, उसका अर्थ क्या होता है? कहाँ, कौन से जगह से लिया गया है, मतलब कौन से प्रकार का शब्द है वो? अरबी शब्द। ठीक है, कब से कब तक होना है ये? 21 नवंबर से 18 दिसंबर। फीफा की स्थापना कब हुई? कहाँ पे? और मुख्यालय कहाँ पे है? अध्यक्ष कौन है? ठीक है, और स्पॉन्सरशिप में कौन सा नाम याद रखना है?
बायजूस और एडिडास बॉल निर्माण करता है। चलो अब बताओ शुभंकर क्या है? लाइव। ठीक है, कौन सा नंबर का है? 21वां। कहाँ खेला गया था? कौन जीता था रूस में? ठीक है, कब से कब तक होना है इस बार का? 18 दिसंबर। कौन से जगह पे होने वाला है? कतर। कतर अरबी कंट्री है, ये खाड़ी कंट्री भी बोला जा सकता है इसको। खाड़ी देखो ना ऐसे अरब सऊदी अरब है, वहाँ पे ऐसे खाड़ी टाइप से बना हुआ है, तो यहाँ पे देश है कतर, खाड़ी देश कहलाता है। इधर से ये इंडिया रहेगा, ऐसे एशिया का मैप देखोगे तब समझ आएगा। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। जगह का नाम ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? चलो इसके बारे में थोड़ा और चीज़ याद रख लो। सबसे पहला वर्ल्ड कप खेला गया था 1930 में, फीफा वर्ल्ड कप 1930 में सबसे पहला। ठीक है, कहाँ खेला गया था? उरुग्वे में। उरुग्वे दक्षिण अमेरिकी एक देश है, उरुग्वे में खेला गया था और खुद ही जीते थे, खुद ही खिलाए थे, सब लोग को बुला के खुद ही हरवा दिए। ठीक है, याद रहेगा। इस बार कितने लोग खेल, कितने टीम जाएंगे? 32 टीमें खेलने वाली हैं इस बार भी, पहले भी खेले हैं तो 32 टीमों का खेल होगा। और फीफा में कुल कितने देश हैं? 211। राष्ट्रीय संघ बोला जा सकता है, देश नहीं बोला जा सकता, कई ठो देश अलग अलग होके भी खेलते हैं, तो 211 राष्ट्रीय संघ हैं जो खेलेंगे। राष्ट्रीय संघ मतलब अपने खुद का राष्ट्र वाला संघ। ठीक, इंडिया भाई नहीं क्वालिफाई कर पाता। इंडिया का रैंक कितना है? 104। 32 टीमों में कहाँ आ पाएगा, 104 नंबर रैंक है उसका। इंडिया सिर्फ एक बार क्वालिफाई हुआ था 1950 के लगभग, तो बिना खाली पैर खेले थे, हार गए थे। ठीक है, तो तब से क्वालिफाई नहीं हुआ, तो ये भी याद रख सकते हो 104 नंबर इसका रैंक है, चल रहा है अभी इंडिया का इस वर्ष। ठीक है, और इंडिया से दो लोगों का नाम बहुत पूछा जाता है, सुनील छेत्री और बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री, और सुनील छेत्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर फुटबॉल से कुछ पूछा तो। सुनील छेत्री ये अंतर्राष्ट्रीय गोल में चौथे नंबर पर है, अंतर्राष्ट्रीय गोल करने में सबसे ज़्यादा क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, और एक्टिव में अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी के बाद तीसरे नंबर पे हैं। ठीक, टोटल में चौथे नंबर पे हैं इंटरनेशनल गोल करने में, लेकिन एक जन संन्यास ले चुके होंगे, तो बचे कौन? तीन लोग खेल रहे हैं अभी कंटिन्यू, तो उन तीनों में ये तीसरे नंबर पे है, सबसे ऊपर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 117 गोल के साथ, उसके बाद उतना नहीं पूछेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे है, मेसी, और तीसरा नंबर में ये है एक्टिव में। ठीक, सुनील छेत्री याद रहेगा, सुनील छेत्री एक बार पूछा गया है किस खेल से संबंधित है, कैसे लिखते हैं ऐसे, ये वाला अच्छा आएगा, छेत्री। ठीक, चलो फुटबॉल ख़त्म, अब श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका में भी इमरजेंसी लगा हुआ है, पता है सबको। ठीक, तो वहाँ के श्रीलंका में इमरजेंसी के बीच पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। ठीक, पूरा कैबिनेट, अब नया कैबिनेट बनेगा, इसके प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। राजपक्षे यहाँ इमरजेंसी क्यों लगाया गया है? अर्थव्यवस्था पूरा डूब रहा है, क्योंकि ये पर्यटन पर आधारित देश है, लोग बाहर वाले घूमने जाएंगे तब इनको पैसा मिलेगा, तो जब कोरोना आया था तो पूरा पर्यटन इनका ठप हो गया था, तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? अब पैसा नहीं है तो क्या किए, अपने पैसे को गिराने लग गए। ठीक, ताकि बाहर वाले लोग आए। अब
आपके पास 50 रुपया है, घूमने जाओगे वहाँ 50 रुपया माना जाएगा तो नॉर्मल है। अगर आप यहाँ से 50 रुपया लेके जाओगे और वहाँ 5,000 मानेंगे उसको, तो आपके लिए वो फ़ायदा है ना, 5,000 के लायक घूम सकते हो। तो अपना पैसा गिरा दिए इन लोग, तो उसके चलते गिराते गिराते इतना इकोनॉमिक क्राइस्ट आया कि अभी पूरा पैसा ख़त्म हो गया, इनके पास उधारी पटाने के लिए पैसा नहीं है। अब देखो बाहर वाले को डॉलर में उधारी पटाना है, अब इनको 50 रुपया देना है तो 5,000 रुपया देना पड़ेगा, तो इनका पैसा और ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके चलते बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है, यहाँ श्रीलंका में इमरजेंसी लगा हुआ है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम याद रखेंगे, महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, भारत ने भी इनकी मदद की घोषणा की थी, $1.3 बिलियन, और जैसे ही अगले दिन तुरंत चाइना ने कर दिया, फिर 1.3 भारत दिया जस्ट, उसके अगले दिन 1.4 चाइना दे दिए। देख के क्या है, भारत वाले का दोस्त बन जाएगा करके। ठीक, राशन वगैरह भारत से दिया जा रहा है, और इसका एक मुख्य कारण ये है कि कृषि जो है पूरे उर्वरक कंपनियों को बंद कर दिए हैं। उर्वरक कंपनी बंद होने के कारण यहाँ पे कृषि जो है बहुत गिर गया, कृषि का स्तर, क्योंकि जितना उत्पादन होना था उससे बहुत ज़्यादा कम हो गया। एक तो पहले से आयात किया जाता था इनके द्वारा खाने का, ठीक, चावल गेहूँ, और उसके बाद उत्पादन भी कम हो गया, तो आयात बहुत ज़्यादा करना पड़ गया। ठीक, इतना याद रहेगा। क्या बोले, धान? अच्छा, चावल मतलब धान, यार धान वहाँ लेके थोड़ी कूटेगा। हाँ वही, चावल गेहूँ सब। चलो राष्ट्रीय में आ जाते हैं, राष्ट्रीय में देखेंगे मेदांता गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा। ठीक, तो मेदांता गुरुग्राम में एक हॉस्पिटल है, निजी अस्पताल है ये। ठीक, इन्होंने पुरस्कार जीता है सबसे अच्छा हॉस्पिटल का यहाँ का। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे जीता है ये पुरस्कार। बीच में फ़ोटो खींचते रहते हो क्या? इसका PDF तो दूंगा मैं, शाम तक जाता है क्या? और तुरंत ताज़ा ताज़ा देखते हो तो याद हो जाता है फिर क्या? अच्छा ऐसा, चलो ठीक है, नाम याद रखेंगे, मेदांता गुरुग्राम मतलब मेदांता ग्रुप है ये। इसके बहुत सारे हॉस्पिटल हैं मेदांता ग्रुप का। ठीक, तो उसका गुरुग्राम वाला जो शाखा है, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक, वहाँ की शाखा ने सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार जीता हुआ है। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल। ठीक, न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल, ठीक, ये है मेदांता ग्रुप वाला हॉस्पिटल, याद रहेगा। ये सर्वे के आधार पर, ये लगातार तीसरी बार हो गया इनको जीतते हुए। ठीक है, लगातार तीसरी, और पूरे विश्व में टॉप 150 में आए हैं, पूरे विश्व में। भारत में तो पहले नंबर पर है ही, पूरे विश्व में टॉप 150, याद रहेगा। सर्वे किसने कराया था? नहीं दिख रहा क्या पीछे? न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल। ठीक, न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल। ठीक, कहाँ का मेदांता ग्रुप है ये? गुरुग्राम। ठीक, मेदांता गुरुग्राम, ये लगातार तीसरी बार जीते हैं, ये भी याद रखना है। कितने बार जीत चुके हैं? तीसरी बार, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय। प्रधानमंत्री संग्रहालय में प्रधानमंत्रियों का जो काम है उसको बहुत सारा दर्शाया गया है। ऐसे टाइप का बनाया गया है संग्रहालय, जिसमें सभी प्रधानमंत्रियों के फ़ोटो और मूर्तियां लगे रहेंगी, और उन्होंने क्या क्या काम करवाए हैं, अच्छे काम कराए हैं, ये सब पूरा यहां दर्ज किया जाएगा। तो ये कहां पे है? नई दिल्ली। ठीक, कहां स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया है? PM मोदी ने, उद्घाटन PM मोदी जी ने। ठीक, प्रधानमंत्री संग्रहालय, याद रहेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, किसके रूप में? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में। अमृत महोत्सव कब से कब तक मनाया जा रहा है? 12 मार्च 2022 से चालू होना है, 12 मार्च 2022 से 75 सप्ताह का मनाया जा रहा है।
75 सप्ताह का रहेगा। 12 मार्च को क्या हुआ था, दांडी यात्रा के लिए निकले थे, कैसे उसी टाइम से 12 मार्च 2022 से चालू होगा और कब 15 अगस्त 2023 को ख़त्म होगा। ये बारह मार्च 2022 से चालू होना है और 15 अगस्त 2023 तक ये चलेगा, अमृत महोत्सव, ठीक, इसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है और भवन का नाम है तीन मूर्ति भवन, तीन मूर्ति भवन परिसर, ठीक, समझ आया। ये बिठा दूँ, डेट वगैरह लिखोगे, 12 मार्च से 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह, ये भी पूछा जा सकता है कितने सप्ताह तक का चलेगा ये, ठीक, अमृत महोत्सव। नहीं अभी चालू है, वो अमृत महोत्सव के लिए तैयारी चल रहा है, ठीक है, चल रहा है तो 12 मार्च तो निकल गया भाई, वो चल ही चालू है ना, नहीं चल रहा है महोत्सव, मतलब ऐसे थोड़ी ना कि नाचना कूदना है, महोत्सव मतलब बस ये है कि आज़ादी को 75 साल हो गया है हमको करके एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है उसमें, हाँ ठीक है, 75वां साल है और 75वां महीना है, 75 हफ्ते के लिए मनाया जा रहा है, ठीक है। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है, नई दिल्ली में है, ठीक, और तीन मूर्ति भवन परिसर, ये जगह का नाम याद रखेंगे, तीन मूर्ति भवन परिसर, 43 गैलरी है यहाँ पे, 43 गैलरी, ठीक, ये वर्ग किलोमीटर को तो छोड़ दो, एकदम डीप हो जाएगा, ठीक है, 43 गैलरी है, याद रहेगा इतना, रिवाइज कहाँ से नहीं हुआ है, ये तो याद होगा। मेदांता ने कितने बार हो गया जीतते हुए उसको, वेस्ट हॉस्पिटल तीसरी बार, टॉप कितने में आए हैं वो, 150। मेदांता कहाँ का है जो जीता है, गुरुग्राम का, ठीक। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, ठीक, अलग अलग राज्यों में ऊर्जा का कैसा उपयोग होता है, ऊर्जा कैसे दिया जाता है, अच्छा क्वालिटी मतलब अच्छे तरीके से मिलता है कि कटौती होता है, ये सब चीज़ों से देख के नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग समझते हो ना, आगे बता दें, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा, ये पहला चीज़ याद रखेंगे, किसके द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग, ठीक है। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक तो SECI ये जारी किया गया है रिपोर्ट के रूप में, SECI, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म SECI, स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स, ठीक, ये जारी किया गया है, 6 मापदंडों के आधार पर जारी किया गया है, 6 मापदंड मतलब ऊर्जा सही ढंग से प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, सही डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं, और क्या बोला जा सकता है, जैसे कि कटौती वगैरह हो रहा है कि नहीं, सही ढंग से चलता है कि नहीं, ये सब जो है उस आधार, 6 मापदंडों के आधार पर ये सूची जारी किया गया है। उसमें सर्वश्रेष्ठ बड़े राज्यों में, सबसे पहले बड़े राज्यों में दो याद रखेंगे, गुजरात और केरल, सबसे पहले में गुजरात याद रखेंगे, ठीक, वहाँ बिजली का कोई दिक्कत नहीं होता, ऊर्जा, ठीक, दूसरा है केरल, दो बड़े राज्य याद रहेंगे, दोनों याद रहेंगे, धीरे धीरे आवाज़ डाउन होते जाता है, गुजरात और केरल, ठीक, छोटे राज्यों में गोवा और त्रिपुरा, दो ठो, एक ठो इस साइड से और दूसरा ऊपर से, गोवा त्रिपुरा, मैप में याद रखना, गुजरात इधर और इधर दोनों कोने में, ठीक। केंद्र शासित में है चंडीगढ़ और दिल्ली, तो केंद्र शासित में सिर्फ चंडीगढ़ याद रख लो, सबको पहला याद रखना, गुजरात सबसे फर्स्ट में बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में सबसे पहला गोवा,
और केंद्र शासित में चंडीगढ़, इतना याद रखेंगे, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट SECI, ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक। उपलब्ध क्या है? टिकट माफियाओं को पकड़ने के लिए। क्या होता है कि हम लोग बुकिंग करते हैं ना, तत्काल वगैरह बुक होता है तो बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाता है, देखे हो, मिलता नहीं है जल्दी टिकट, तो उसके लिए, हाँ, एक मिनट में हो जाता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि टिकट माफिया लोग क्या करते हैं, तुरंत ब्लॉक कर लेते हैं खरीद के, बहुत सारा उनको ज़रूरत नहीं रहता, लेकिन फिर भी शॉर्ट हो लेके रख लेते हैं, शॉर्ट हो इंगेज कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि आप जो थोड़ा लेट हुए तो आपको नहीं मिलेगा, अब उसको ज़्यादा रेट में बेचेंगे उन लोग, क्योंकि आपको तो ज़रूरत है, ठीक। तो इसी को पकड़ने के लिए एक ही जैसे नंबर से, एक ही जगह से अगर बहुत सारे टिकट हो रहे हैं तो उनको पता चल जाता था, तो यही ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक। एक ही जगह से बहुत सारे टिकट होने के कारण उनको फिर ये माफिया लोग को ब्लॉक कर दिया जाता था, ठीक है, उनके नंबर से फिर नहीं होगा टिकट, याद रहेगा। ऑपरेशन उपलब्ध किस लिए चलाया गया? टिकट माफियाओं के लिए, और किस में? रेल, रेल मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा ना, टिकट के लिए चल रहा है तो, बस के लिए नहीं है। एक महीने के लिए चलाया गया था, पूरा एक महीना के लिए, ये भी याद रखेंगे, पूरा महीने भर चला, महीने भर जितने खरीदी हो रहे थे उस पर नज़र रखा जा रहा था, और जो जहाँ से ज़्यादा खरीदी हो रहा था उसको ब्लॉक किया जा रहा था, ठीक है। एक महीने तक चला है ये ऑपरेशन उपलब्ध। इसके पहले RPF ने, रेलवे पुलिस फोर्स RPF ने मानव तस्करी रोकने के लिए चलाया था ऑपरेशन आहट, मानव तस्करी रोकने के लिए, इससे कुछ दिन पहले, तो ये भी नोट में याद रख लेंगे, ठीक। दोनों चीज़ें याद रहेगा, ऑपरेशन उपलब्ध और ऑपरेशन आहट। इसको पूछता है किस मंत्रालय ने चलाया था, ठीक, या किस लिए चलाया था, ये भी पूछता है। हाँ, ट्रेन का बात चल रहा है तो रेल मंत्रालय ही ऑपरेट करेगा भाई, ना समझ आया, याद रहेगा। खावती ऋण, खावती ऋण महाराष्ट्र में चलाया गया है, ये एक प्रकार का कैदियों को दिए जाने वाला ऋण है, जो कैद हैं किसी कारण से, जेल में कैद हैं, उनके परिवार को दिया जाता है, ये व्यक्तिगत उनको नहीं दिया जाएगा, उनके परिवार वालों को दिया जाएगा, ठीक। तो उस ऋण का नाम है खावती ऋण, नाम सबसे पहले याद कर लो, खावती ऋण, ठीक। राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किसके लिए चलाया गया है? कैदियों के लिए, ठीक। देश की पहली पहल है कैदियों के लिए ऋण देने वाला, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कोई भी पहला चीज़ आता है ना तो उसको याद कर लिया करो, बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। 7% ब्याज की दर से 50,000 तक मिलेगा, कितना? 50,000 तक 7% ब्याज देना पड़ेगा उनको, ठीक। यरवदा सेंट्रल जेल में लागू किया गया, यरवदा सेंट्रल जेल सुने हो पुणे, है ना, हिस्ट्री में पढ़ोगे, यहीं गांधी जी भी बंद थे ना, कैसे नहीं पढ़े हो हिस्ट्री थोड़ा बहुत, वो वही वाला जेल है, यरवदा सेंट्रल जेल में थे। कौन सा जेल का नाम क्या था? यरवदा सेंट्रल जेल। कितना तक का पैसा मिलेगा? योजना का क्या नाम है? खावती ऋण, ठीक। 7% ब्याज के किनको दिया जाना है? कैदियों के परिवारों को। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। चलो अब आते हैं, फास्टर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, ठीक, जो न्यायालय में बैठते हैं मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है फास्टर ऐप। ऐप का नाम याद रखेंगे, ठीक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? NV रमन्ना, 48वें नंबर के हैं, NV रमन्ना 48वें नंबर के। ये किस लिए? अदालती आदेशों को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए। जैसे कि कोई चीज़ जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, तो निचले कोर्ट तक आते तक बहुत टाइम लग जाता है, एक पेज को भेजते हैं कि आप ये चीज़ लागू कीजिए, भेजने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक। तब तक यहाँ कई केस उसके आधार पर गलत भी वो भी हो जा रहता है, डिले भी हो जा रहता है इंतज़ार में, तो उसके लिए फास्ट
ऐप के द्वारा तुरंत वो जो जारी किया जाएगा, ठीक, कोई भी पत्र वो तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ आया? ये आदेश जो जारी किया जाएगा वो तुरंत पहुंच जाएगा इस ऐप के माध्यम से, कागज़ ले जाने का ज़रूरत नहीं रहेगा, वो बाद में पहुंचते रहेगा, ठीक। तो एन वी रमन्ना द्वारा 48वां नंबर के थे ये, इन्होंने जारी किया है फास्टर ऐप। इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर, फास्ट एंड सिक्योर याद रहेगा, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसको पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड को भेजा जाएगा। दूसरा, इसके पहले कुछ दिन पहले ऑपरेशन सुपेस चलाया गया था, सुपेस सुपेस, ठीक है, ये इसके लिए चलाया गया था, जैसे कोई सुपेस रोबोटिक्स वाला था, जैसे कि कोई बहुत पुराने पुराने फाइल रहते हैं ना, तो फाइल को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो उस आधार पे दूसरा कोई कोई वो आया केस, तो उसी आधार पे ये जो रोबोट है वो बताएंगे कि ये ऐसा केस पहले आ चुका है, तो फाइल आपको खोजना नहीं पड़ेगा इस टाइप का फाइल, तो ये बता देंगे कि इस टाइप का फाइल आया है, तो आप इस आधार पर ऐसे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, ये खुद डिसीजन नहीं देंगे, ये सलाह देंगे। तो ये सुपेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ये पहले हुआ था कुछ दिन पहले। तो दो ठो प्रोग्राम कौन कौन से, एक ठो सॉफ्टवेयर याद रखेंगे फास्टर, और दूसरा प्रोग्राम कौन सा, सुपेस, सुपेस प्रोग्राम, फास्टर ऐप। अब आते हैं सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये साहित्य के क्षेत्र में लिखा दिया जाता है, लेखन के क्षेत्र में साहित्य याद रहेगा, 31वां नंबर का, सबसे पहला चीज़ तो यही याद रखो, 31वां नंबर का चल रहा है अभी, दिया गया है, ठीक, सरस्वती सम्मान 31वां, और ये पिछले वर्ष के लिए मिलेगा ना, इस वर्ष जो दिया गया है वो पिछले वर्ष छपे थे उसके लिए मिलेगा, इसी वर्ष छपे थे उसके लिए नहीं है, याद रहेगा। सरस्वती सम्मान किस चीज़ के लिए है, साहित्य के क्षेत्र के लिए, वर्तमान में 31वां नंबर का मिल रहा है, प्रोफेसर रामदरस मिश्र, मिश्रा लिखा गया, मिश्र है वो, रामदरस मिश्र, इनको दिया गया है, ठीक, याद रहेगा, इनका नाम पूछा जाता है सरस्वती सम्मान, रामदरस मिश्र, इनकी रचना थी मैं तो यहाँ हूँ, ठीक, कहाँ हूँ, यहाँ हूँ, कविताओं का संग्रह था ये, उपन्यास वगैरह नहीं था, ये भी पूछ सकता है, मैं तो यहाँ हूँ उनकी रचना थी, जो कविताओं का संग्रह है, बहुत सारी कविताओं का एक संग्रह था, याद रहेगा। सरस्वती सम्मान सबसे पहले आयोजन किया गया था 1991 में, 1991 में, हरिवंश राय बच्चन प्रथम प्राप्तकर्ता, ये कौन थे, अमिताभ बच्चन के पिताजी, चलो याद तो है कुछ। पुरस्कार में क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले 15 लाख याद रखेंगे, और इस टाइप का एक पट्टिका प्राप्त होता है, प्रशस्ति पत्र प्राप्त होगा, और ठीक है, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका, और 15 लाख रुपये याद रहेंगे। सरस्वती सम्मान कौन सा नंबर का सरस्वती सम्मान है, 31वां, किसको मिला है, रामदरस मिश्र, किस रचना के कारण, मैं तो यहाँ हूँ, किस चीज़ का संग्रह है, ये कविताओं का संग्रह। सबसे पहला सरस्वती सम्मान कब दिया गया था, किसको मिला था, हरिवंश राय बच्चन। चलो और कुछ छूटा क्या रिवाइज में, इसमें किस क्षेत्र में दिया जाता है ये तो याद है, ये देख लो फोटो भी, बूढ़े हो गए बेचारे, ठीक। अब युद्धाभ्यास देखते हैं, संयुक्त युद्धाभ्यास, ठीक, तो भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास हुआ, द्विपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास, ये चीज़ पहला याद रखेंगे, नौसेनाओं का युद्धाभ्यास, ठीक, वरुण आयोजित किया गया था,
वरुण नाम दिया गया है वरुण, ये हर साल आयोजित होता है ना। वरुण नाम का युद्ध अभ्यास किनके किनके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच, ठीक। नौसेनाओं का होता है, नौसेना नाव याद है ना, नौसेना किसको बोलते हैं, ठीक। ये 20वां संस्करण है, 20 बार हो चुका है, ठीक है। कहाँ होता है? अरब सागर में, अरब सागर उस साइड। एक चीज़ याद रखो, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फिर फ्रांस से याद आया तो पेरिस याद रख लेंगे, याद रहेगा ये, ठीक है। युद्धाभ्यास का क्या नाम था, कौन सा नंबर का था, किसके किसके बीच है, चलो याद। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर, चाकू वाला छंग खंजर, ठीक। भारत और किर्गिस्तान के बीच, ठीक, खंजर आयोजित किया गया है, याद रहेगा। ये सैन्य अभ्यास है, सेनाओं का, थल सेनाओं का, ठीक, ये थल सेनाओं वाला था। बकलोह हिमाचल प्रदेश, ये बस याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। युद्ध अभ्यास कराते क्यों है वैसे, हाँ, एक दूसरे के साथ मिलके काम करने के लिए, दूसरा एक दूसरे का टेक्नोलॉजी देख के खरीदते हैं इन लोग, ठीक। उन लोग एकदम एडवांस वाला देख के आएंगे, फिर इधर वाले भी आलसी ना, 60 लोग को क्या है, पूरा 1.5 लाख लोग को भेज देते फिर वैसे में। हाँ, उन लोग को वैसे ट्रेनिंग कराया जाता है, 60-65 लोग ही रहते हैं, ज़्यादा लोग नहीं रहते, ठीक है। तो नाम था खंजर, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, थल सेनाओं का सैन्य अभ्यास है। किर्गिस्तान की राजधानी याद रखेंगे बिश्केक, और मुद्रा है सोम, 20 ठोकेक और मुद्रा है सोम, ठीक, इतना याद रहेगा। चलो, टाटा न्यू, ये ऐप है एक, टाटा न्यू, ठीक है, डेट मत याद रखोगे। टाटा ग्रुप ने अपने बहुप्रतीक्षित सुपर ऐप टाटा न्यू को लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, टाटा ग्रुप। टाटा सुने हो, हर जगह है, आटा तक टाटा है पूरा। तो टाटा न्यू ऐप लॉन्च किए हैं, क्या चीज़ है इसमें, अमेजोन फ्लिपकार्ट इस टाइप के जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह है ना, उसके कंपेयर करने के लिए, उससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए, ठीक है। अमेजोन फ्लिपकार्ट रिलायंस समूह जियो मार्ट इस टाइप के बहुत सारे खुल रहे हैं, तो टाटा समूह भी क्यों पीछे रहे, तो इन्होंने भी लॉन्च कर दिया है, क्या नाम है उसका, टाटा न्यू, ठीक, याद रहेगा। इसको सुपर ऐप भी कहा जा रहा है, इसमें सभी चीज़ होगा, ऑनलाइन बुकिंग से लेके, जैसे अमेजोन में ऑनलाइन बुकिंग वगैरह नहीं होता ना, अभी अभी चालू हुआ है, ठीक है, ट्रेन टिकट वगैरह, तो इसमें सब चीज़ होगा, होटल बुक होगा, हवाई जहाज़ तक, हवाई जहाज़ नहीं, टिकट खरीदना है उसमें, ठीक, दवाएँ किराने के सामान, ये सभी चीज़ें याद रहेगा, सभी को मिला के, सबको एक साथ मिला के बनाया गया है ऐप का नाम टाटा न्यू, ठीक। अब आते हैं नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष, ठीक, पुराने उपाध्यक्ष जो है वो इस्तीफा दे दिए, राजीव कुमार, उनके जगह नए उपाध्यक्ष आए हैं। तो नए उपाध्यक्ष के रूप में अर्थशास्त्री सुमन बेरी, सुमन के बेरी भी बोला जाता है, सुमन के बेरी, तो ऐसा है क्या, के लगा मतलब कुमार जरूरी है, नहीं फिर साउथ वाले लोग अलग चीज़ लिख देते हैं के का मतलब, ठीक, कृष्णमूर्ति भी हो सकता है। तो सुमन बेरी याद रहेगा नाम, यह है सुमन बेरी और यह है राजीव कुमार, इन्होंने इस्तीफा दिया और ये ज्वाइन किए हैं उपाध्यक्ष के रूप में, ठीक। राजीव कुमार का स्थान लेंगे। अब नीति आयोग के बारे में जान लो, नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, ये योजना आयोग की जगह लाया गया है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया है,
योजना आयोग हर 5 साल में लाया जाता था, उसमें योजना तैयार किया जाता था कि अगले 5 साल तक हम क्या करेंगे, क्या क्या लक्ष्य स्थापित किया जाता था कि इतने तक GDP रखेंगे, इतना बेरोजगारी दर कर देंगे, इस टाइप से हर 5 साल में। तो ये 15 साल वाला है, ये इसका लक्ष्य 15 साल वाला, 15 साल तक आराम से देखेंगे, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद रख लो, कितने वर्ष के लिए, 1 जनवरी 2015 से स्थापित है नीति आयोग, ये पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाएगा और आगे भी पूछा जाएगा, ये 1 जनवरी 2015 से स्थापित, ठीक है। अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे, तो अभी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, तो अध्यक्ष के रूप में पदेन सदस्य, पदेन अध्यक्ष रहते हैं, जो भी उस पद में स्थापित रहेंगे वो अपने आप ऑटोमेटिक अध्यक्ष बन जाएंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष रहते हैं और उपाध्यक्ष तो चुन लिए गए हैं सभी, इसमें जो अन्य सदस्य रहते हैं उसमें सभी राज्य और केंद्र शासित के मुख्यमंत्री लोग शामिल रहते हैं अन्य सदस्यों में, ठीक है। और इसके CEO है अमिताभ कांत, इतना चीज़ें पूछा जाता है इससे, याद रहेगा। किसे चुना गया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, चुना गया है राजीव कुमार, पहले थे, स्थान लेंगे उनका सुमन बेगी, सामने जो नाम दिख रहा है बस बोल दिया, क्या नींद में हो क्या, सुमन बेरी को चुना गया है राजीव कुमार के स्थान पर, ठीक। अध्यक्ष कौन रहते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक। CEO कौन है, अमिताभ कांत, ठीक। और इसके सदस्य कौन कौन रहते हैं, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब स्थापना किया गया था इसका, किसके जगह पे लाया गया है, योजना के आयोग के, ठीक। अच्छा, इसको नेक्स्ट करने से अपने आप आ जाएंगे। चलो अब छत्तीसगढ़ देखते हैं, बहुत लंबा खिंचा गया क्या, ऐसा कुछ नहीं है ना, बहुत दिन बाद है, थोड़ा पढ़ लो। राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव, जनजातियों का साहित्य महोत्सव मनाया गया कब से कब तक, 19 से 21 अप्रैल 2022, तीन दिवसीय था, 19 से 21 अप्रैल 2022, ये डेट याद रखेंगे। स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर, जो रविशंकर विश्वविद्यालय है उसके बगल में है, देखे हो दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, जाओगे तो देखना बड़ा सा ऐसे गोल से दिखता है, ठीक है। आयोजनकर्ता छत्तीसगढ़ आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, कौन आयोजन किया था इसका, छत्तीसगढ़ आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्योंकि यह जनजातीय साहित्य है, साहित्य महोत्सव है, तो उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और भारत सरकार की तरफ से किसने करवाया था, जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार से किसने करवाया है, जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार, ठीक। और इसके द्वारा आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उद्देश्य क्या है, देश भर में पारंपरिक एवं समकालीन जनजाति साहित्य को परिचय कराना, एक दूसरे से, जैसे यहाँ के जनजाति हैं, यहाँ का साहित्य दूसरे जगह से मिलेगा, तो एक दूसरे के जो जनजाति चीज़ें हैं वो जानेंगे एक दूसरे के बारे में, ठीक है। और दूसरे लोग भी जानेंगे, बाहर के लोग भी अवगत होंगे, ठीक, याद रहेगा। इसमें लोक नृत्य भी हुआ था, चित्रकला का भी प्रतियोगिता हुआ था, ठीक है, लोक नृत्य और चित्रकला, सिर्फ पुस्तक नहीं रखाया था वहाँ, डांस वांस प्रोग्राम भी रखा गया था, ठीक है, पेंटिंग डांस इस टाइप के। तो कब से कब तक हुआ था, 19 से 21, कहाँ पे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में, ठीक है। आयोजनकर्ता कौन थे, छत्तीसगढ़ आदिम जाति विभाग, ठीक है। और भारत की ओर से, भारत सरकार की ओर से, जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार, ठीक।
इतनी चीज़ें याद रखेंगे साहित्य महोत्सव के बारे में। सियान जतन क्लिनिक, सियान जतन क्लिनिक, सियान मतलब क्या होते हैं? बुजुर्ग, बूढ़े वृद्ध बुजुर्ग। चलो, स्थान रायपुर में हुआ, ठीक, रायपुर में इसका आयोजन किया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, 29 आयुर्वेदिक केंद्र में यह आयोजन किया गया था सियान जतन। इसमें फ्री चेकअप हुआ था, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का फ्री में चेकअप हुआ था, ठीक है, और चेकअप होगा तो इलाज भी कराएंगे। निःशुल्क जाँच एवं उपचार किया गया, याद रहेगा 60 वर्ष से अधिक, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कराया गया था। कब? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ठीक। चलो, स्वास्थ्य रायपुर में ऐसा कोई काम के नहीं। चलो, नया राज्य अलंकरण पुरस्कार, 1 नवंबर को राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है, आपको मालूम होगा। पुरस्कार होता है जो अलग अलग क्षेत्र में, पत्रकारिता हो गया, जो अलग अलग काम करते हैं उसके लिए अलग अलग सम्मान रहता है, तो नया राज्य अलंकरण पुरस्कार जोड़ा गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। कलार समाज, कोई सिन्हा है यहाँ पे? सिन्हा नहीं है, अच्छा सिन्हा आप लोग के समाज का अभी जुड़ा है। कलार समाज की नायिका, कलार समाज की नायिका कौन है? बहादुर कलारिन बाई, ठीक, बहादुर कलारिन बाई के नाम से एक नया राज्य अलंकरण पुरस्कार बनाया गया है, ठीक। इनका स्मारक जो है चिरचारी गांव बालोद में है, ये भी पूछा जा सकता है, चिरचारी गांव बालोद। पूछा गया था व्यापम में कि कलारिन माची क्या है, कलारिन माची भी बोलते ना उसको, कलारिन माची क्या है करके, तो ये स्मारक है, व्यापम में पूछा गया था, ठीक, ऐसे टाइप का ये बना हुआ है। ये इनका शराब वितरण केंद्र था, बार रहता ना ऐसे लगे रहता है, बस ऐसे दिख रहे ना ऐसे, ठीक, यहाँ शराब बनता था, ठीक, कूट पीस के शराब बेचते थे। किनके द्वारा? बहादुर कलारिन माची के, ठीक है। कहानी तो वैसे लेट हो गया है, नहीं कहानी सुनाया रहता, लंबा कहानी, क्या करोगे, पूछा है थोड़ी शॉर्ट में। देखो क्या था, इनके भाई जो थे वहाँ के, ये बार चलाते थे, बार नहीं बोला जा सकता, ये शराब केंद्र चलाते थे, ठीक है, तो इनके भाई, उसके बाद उनका डेथ हो गया, तो ये बहुत सुंदर थी, कौन? कलारिन माची, कलावती इनका वास्तविक नाम था, कलावती, ये याद रख लो, कलावती बहुत सुंदर थी। तो राजा लोग महाराजा लोग पीने आते थे ना, तो बहुत प्रपोजल आता था शादी के लिए इनका, ठीक, बहुत प्रपोजल आया। ख़त्म होने के बाद एक राजा आए तो उनसे शादी करने का झांसा दिए, उसके बाद उनको धोखा दे दिए। फिर इनका एक बेटा हुआ, जो बेटा है उनको पता चला कि ये राजा लोग मेरे को धोखा दिए हैं करके, तो सभी राजाओं को या तो मार देते थे, जो कोई भी राजा रहते थे उनको, ठीक है, या तो मारते थे या तो फिर उनकी बेटी से विवाह करने का झांसा देके उनको धोखा देते थे, ठीक। ये चीज़ उनको पता चला किनको? कलावती जी को, तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को कुएं में धकेल के मार दिया और खुद कूद गए, ठीक है। अरे ऐसी ही है, इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो बहादुर थे ये, बहुत बहादुर कलारिन बाई। बहादुर कैसे हुए? तो राजाओं को बचा लिए, नहीं तो और राजा लोग को मार दिए रहते उसके बेटे, ठीक, इसलिए बहादुर है, अपने बेटे को मार दिए ये, याद रहेगा। तो कलारिन बाई स्मारक, चिरचारी गांव, ये भी याद रखना, चिरचारी गांव बालोद में है, यहाँ पे इनका ये स्मारक है जिसको कलारिन माची बोलते हैं। ये 600 से 700 साल पुराना स्मारक है, वास्तविक नाम कलावती, ये लिखा भी हुआ है, ठीक, 600 से 700 साल। चलो, एक पुरस्कार भी बनाया गया यहाँ, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार,
महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, लोधी समाज सुने हो, ये भी 1857 की क्रांति में ये भी भाग लिए थे और इनकी भी मृत्यु हो गई थी। इनके भी बच्चे जो थे, इनके जब शादी हुआ, ये रानी थी मंडला की, मंडला से जानते हो, एमपी में कवर्धा कुछ पार कूदोगे तो मंडला पहुंच जाओगे, ठीक वही है मंडला। तो ये मंडला में रहती थी, इनके दो बच्चे हुए छोटे छोटे, और जो राजा थे वो बीमार हुए, उसी टाइम डलहौजी आए। जैसे इनके पति मरे उसके बाद राजा ने इनका जो जगह है राजघाट वो छीन लिए। डलहौजी हड़प नीति लाए थे ना, ठीक, हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहला राज्य किसको छीना गया था, नागपुर को, सतारा, सबसे पहले सतारा है, सतारा संबलपुर उसके बाद जयपुर, हाँ वो बाद में हुआ है, ये बहुत पहले हो गया था, ठीक। तो इसी टाइम ये वाले इनका भी क्षेत्र हथिया लिए थे और इनको पेंशन देके दूसरे जगह भेज दिए थे, ठीक। तो फिर इन्होंने 1857 की क्रांति के टाइम इनको खबर लगा होगा कि अभी क्रांति हो रहा है, तो ये भी उस पर कूद पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए, याद रहेगा। तो नाम है महिला सशक्तिकरण के लिए अवंतीबाई लोधी, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, ठीक है। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, नहीं याद रहेगा। तो कितना बचा है, एक ही बचा है, लास्ट है, चलो झेल लो। झलमल को लया लोर गोटुल रच्चा उत्सव, नाम ही सबसे डेंजर है इसका, झलमल को लया लोर गोटुल रच्चा उत्सव, ठीक। कहाँ मनाया गया है, कांकेर के अंतागढ़ तहसील, ठीक है, कांकेर के अंतागढ़ तहसील में। उद्देश्य क्या है, आदिवासी युवक और युवतियों को अपनी संस्कृति विरासत से जोड़कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना, मतलब अपनी संस्कृति को छोड़ना भी नहीं है और विकास भी करना है। लोग क्या है, विकास करने के चक्कर में अपनी संस्कृति भूल जाते हैं, तो इनको उनके साथ जोड़े रखना है सांस्कृतिक विरासत के साथ और विकास की मुख्य धारा में लाना है। इसके अंतर्गत कोयलीबेड़ा और आमाबेड़ा में दो तहसील बनाया गया, ठीक, इसी फंक्शन के अंतर्गत ना, जब गए थे मुख्यमंत्री जी तो दो ठो तहसील बनाएंगे, कोयलीबेड़ा आमाबेड़ा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ सहकारी बैंक स्थापित किया गया और 10 गोटुल और 10 देवगुड़ी इसकी स्थापना किया गया, देवगुड़ी और गोटुल, ये इनका स्कूल है और ये इनका वो है पंचायत टाइप से, ठीक है, ये जनजाति स्कूल है समझ लो, वहाँ नैतिक शिक्षा दिया जाता है, नैतिक शिक्षा दिया जाता है, वो स्कूल को ही युवा गृह बोला जाता है, एक टाइप का स्कूल ही बोला जा सकता है, उसमें बच्चे लोग को भेजते हैं अलग अलग उम्र के, ठीक है, लेकिन यहाँ नैतिक शिक्षा दिया जाता है, बुक कॉपी वाला नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो इसका जगह याद रखेंगे, अंतागढ़ तहसील कांकेर में, समझ आया, इतना याद रहेगा, किसी को कोई डाउट नहीं है, और झेलना पड़ जाएगा डाउट पूछ दिया तो, बोल के बहुत लंबा खींचा जाएगा,